हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माय नेम इज़ भाग्यश्री खेतान और आज हम जीके के सेक्शन में लेंगे बर्ड्स नेम। बर्ड्स मीन्स पक्षी जो अपने उड़ते हैं ना, विंडोज पर आकर बैठते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं, मीन्स पक्षी। उनके पहला नाम क्या है? स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया, जो चीची करती है ना, छोटी सी रहती है, चीची करती आई चिड़िया, पोयम आती है सबको, ये उसको क्या बोलते हैं? स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया। अब चिड़िया के बाद नेक्स्ट बर्ड कौन सा है? आउल, OWL, आउल। आउल मीन्स उल्लू। आउल की कौन सी खासियत होती है आप लोगों को पता है? आउल को है ना, दिन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब दिन में हम सोकर उठते हैं ना सुबह पहले, उस समय क्या होता है, आउल की नाइट शुरू हो जाती है। वो दिन में सोता है और रात को जगता है, उसको सिर्फ रात को ही दिखाई देता है, दिन में आउल को दिखाई देता नहीं है, इसलिए उसको हमेशा वो रात को जगता है और दिन में सोता है। आप लोग रात को सो रहे होते हो, जब एकदम शांति हो जाती है तो घूं घूं आवाज़ आती है ना, वो किसकी आवाज़ होती है? आउल की। क्यों वो रात को आवाज़ करता है? क्योंकि जब हमारी नाइट होती है तब आउल की मॉर्निंग हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? आउल। आउल मीन्स उल्लू। अब नेक्स्ट बर्ड क्या है? पैरट, PARROT, पैरट। पैरट मीन्स तोता। मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, पोयम सुनी है सबने, नर्सरी जूनियर में सीख कर आए होंगे ना पोयम ये वाली, उसको क्या बोलते हैं? पैरट। पैरट मीन्स तोता। आप लोगों को पता है कोई कोई शहरों के जो पैरट्स होते हैं उनको बोलना आता है, जो पहाड़ी इलाकों के जो पैरट्स होते हैं ना उनकी हाइट भी बड़ी होती है और उनको बोलना आता है। हम ह्यूमंस, हम इंसानों की तरह वो लोग भी बातें करते हैं, जो आप बोलोगे उसको रिपीट करेंगे, आप बोलना सिखाओगे तो वो बिल्कुल सीखते हैं। जो पहाड़ी इलाकों के पैरट्स होते हैं ना वो अपने तरह बातें करते हैं। आप लोगों को पता थी ये बात? कितने बर्ड्स हुए अभी तक? 3 बर्ड्स हुए, स्पैरो मीन्स चिड़िया, आउल मीन्स उल्लू एंड पैरट मीन्स तोता। अब नेक्स्ट लेंगे क्या है? पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में भी पेंगुइन ही बोला जाता है, लेकिन जो ठंडे इलाके होते हैं ना एकदम, जहाँ पर 12 महीना बर्फ़ गिरती रहती है, वहाँ पर ये पेंगुइन पाए जाते हैं। और इनके इनको कभी आपने देखा है टीवी में, या इनको ये जैसे साइड पीक है वैसे इनकी जो फ्रंट पिक रहती है, फ्रंट वाली जो फोटो रहती है वो कैसा दिखता है? जैसे ब्लैक कलर का कोट पहन रखा हो, बहुत प्यारा सा दिखता है ये पेंगुइन। और ठुमक ठुमक के चलता है ये, पता है आप लोगों को? और ये सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ के इलाके में ही जिंदा रह सकता है, इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए ये वहीं पर ही पाया जाता है। और ये क्या खाता है? ये मांसाहारी मीन्स नॉन वेजिटेरियन होता है, जो बर्फ़ के अंदर जो पानी रहता है उसमें जो मछलियाँ रहती है ये उनको खा के अपना पेट भरता है। और ये बर्फ़ के इलाकों में ही पाया जाता है, इसलिए ये अपने इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल मीन्स चील। चील कहाँ पर होती है? एक तो ये साइज़ में बहुत बड़ी होती है। ये क्या खाती है? सांप खाती है, मीन्स स्नेक्स खाती है, नेवले खाती है। ये भी कैसी होती है? नॉन वेजिटेरियन होती है, छोटी छोटी चिड़ियों को खाती है। और ये कहाँ पर? बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये वहीं पर ही पाई जाती है, ये शहरी इलाकों में पाई नहीं जाती है। इसको क्या बोलते हैं? ईगल। ईगल मीन्स चील। इसकी आंखें देखने में छोटी होती है, लेकिन इसकी जो आई साइड होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको कम से कम 2 से 10 किलोमीटर दूरी तक का भी दिख जाता है, इसलिए वो आसानी से अपने शिकार को देखकर और उनको फटाक से पकड़ के, उड़ते पक्षी को भी पकड़ के ये खा सकते हैं, इनकी आई साइड इतनी स्ट्रांग रहती है। अब नेक्स्ट है हमिंग बर्ड, HUMMING, हमिंग, BIRD, बर्ड। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड मीन्स गुंजन पक्षी। ये गुंजन पक्षी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये ऐसे करके मक्खी की आवाज़ में बोलता है, ये ची ची या ऊ ऊ करके नहीं बोलता है, इसकी आवाज़ बिल्कुल अलग रहती है, हमिंग करता है ये मक्खियों की तरह हूँ करके बोलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हमिंग बर्ड मीन्स गुंजन पक्षी। अब नेक्स्ट है क्रो,
CROW क्रो, क्रो मीन्स कौआ, जो कां कां करता रहता है ना, अपने उड़ा देते हैं उसको, क्योंकि उसकी आवाज़ अपने को सहन नहीं होती है, इसलिए बोला जाता है ना हमको कभी भी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अब कौए की आवाज़ तो अपने को गंदी लगती है क्योंकि वो कां कां करके कान खाता है, लेकिन आप लोगों को पता है ये खासियत, आप लोगों को कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती होगी जिसको कुक्को बोलते हैं। किस किस को अच्छी लगती है? कुक्को की आवाज़ सबको अच्छी लगती है ना, पर पता है क्यों? उसकी सिर्फ आवाज़ ही मीठी होती है, और क्रो नेचर का अच्छा होता है, लेकिन क्यों हम उसको भगा देते हैं? क्योंकि उसकी आवाज़ गंदी होती है। तो वैसे ही हम अगर अच्छे शब्द बोलेंगे तो लोग हमको पास में बुलाएंगे, और अगर हम गालियाँ देंगे, गंदे वर्ड यूज़ करेंगे, मिसबिहेव करेंगे अपने से बड़ों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, तो हमको सब क्या बोलेंगे, ये तो गंदा बच्चा है। वैसे ही जो कुक्को होती है वो क्या करती है, वो कभी भी लाइफ में अपना घोंसला खुद से नहीं बनाती है। अब आपने देखा होगा कि कौआ मीन्स क्रो और कुक्को मीन्स कोयल, वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, बराबर। तो जब कुक्को के अंडे पैदा होते हैं तो वो क्या करती है, क्रो के घोंसले में जाके उसके सारे अंडे नीचे गिरा देती है, और अपने बच्चे, अपने अंडे वहाँ पर छोड़ के उड़ जाती है, और फिर उनको कभी भी पाल के बड़ा नहीं करती है। और जो क्रो होता है उस, वो क्या करता है, उसको लगता है ये तो मेरे अंडे हैं, और फिर जब उनके बच्चे फूट के बाहर निकलते हैं कुक्को के, तो वो उनको पाल के बड़ा करता है। क्रो का नेचर अच्छा होता है लेकिन उसकी आवाज़ गंदी है, इसलिए हम उसको घर में नहीं आने देते हैं। और कुक्को की आवाज़ तो सबको पसंद आती है, इसलिए हमको कभी भी अपनी वाणी मीठी रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कॉक, COCK कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, जो सुबह पहले हमको कुकड़ू कू करके उठाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, कॉक। उसके बाद है नेक्स्ट किंगफिशर, KING किंग, FISHER किंगफिशर। किंगफिशर कैसा होता है, ये बहुत ही एकदम सुंदर और रंग बिरंगा पक्षी बर्ड रहता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये भी विदेशी पक्षी है, ये अपने इंडिया में नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है पिकॉक, PEACOCK पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर, जो बारिश के समय अपना पंख फैला के नाचता है ना मोर, उसको क्या बोला जाता है, पिकॉक। अब देखो पिकॉक और किंगफिशर का पिक सेम लग रहा है ना, क्योंकि पिकॉक जितना ही सुंदर रहता है किंगफिशर। अब नेक्स्ट है कीवी, KIWI कीवी, कीवी भी कैसा है, एक विदेशी पक्षी है, ये अपने इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये खाने वाला कीवी फ्रूट नहीं है, उसकी स्पेलिंग भी सेम ही रहती है, ये कीवी नाम का बर्ड है। आई होप आप लोगों को ये बर्ड्स नेम सुनने में और उनके बारे में जानने में मज़ा आया होगा। सो आप लोगों को इसकी स्पेलिंग के साथ में लर्निंग लेनी है। ओके बाय।